बड़ी खबर इस वक्त की, शाम 6 बजे से टिकटों की बुकिंग शुरू होगी। पहले वक्त था शाम के 4 बजे से, लेकिन अब वक्त है शाम के 6 बजे से। बड़ी खबर, रेलवे ने असुविधा के लिए खेद भी जताया है। ये कहा है कि डेटा अपलोड हो रहा है और वेबसाइट क्रैश नहीं हुई है, डेटा अपलोड किया जा रहा है, इस वजह से खुल नहीं रही है साइट। अब शाम के 6 बजे से टिकटों की बुकिंग शुरू होगी। पहले शाम के 4 बजे का वक्त था, अब शाम के 6 बजे का वक्त। रेलवे ने खेद जताया है कि शाम के 4 बजे वेबसाइट शुरू नहीं हो पाई। इसके लिए रेलवे का कहना है कि डेटा अपलोड हो रहा है। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल राजेंद्र, अगर बात करें तो जिस प्रकार से रेलवे ने आज 4 बजे का समय तय किया था, उसके बाद कई सारे लोगों का एक साथ उसमें लॉगिन करने की वजह से वेबसाइट कुछ देर के लिए एकदम ब्लॉक टाइप की हो गई थी, खुली नहीं रहती, जिसके बाद वेबसाइट को हैंग माना जाने लगा था। लेकिन रेलवे ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया है कि चूंकि इतने सारे लोग एक साथ एक गेट पर आ गए, इस वजह से अब इसको फिर से एक बार जो है वेबसाइट अपडेट किया जा रहा है, और वेबसाइट में फिर से डाटा अपलोड करने के बाद शाम को 6 बजे से लोग अपना रिजर्वेशन कर सकेंगे, जबकि कल ट्रेनें चलनी है, जिसके बाद उनको फिर रिजर्वेशन होने के बाद वो कल अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। शाम 6 बजे से टिकटों की बुकिंग कर सकेंगे आप। डेटा अपलोड हो रहा है, इसलिए शाम के 4 बजे वेबसाइट शुरू नहीं हो पाई। रेलवे ने सफाई दी है, स्पष्ट किया है कि शाम के 6 बजे से अब आप IRCTC की साइट पर लॉगिन करें और टिकट बुक करें। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ के सासनी गेट थाना इलाके में एक निजी अस्पताल में भर्ती महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कहा जा रहा है कि महिला को सांस की बीमारी थी और अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रिपोर्ट के पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन को जानकारी दी गई है और महिला को मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। निजी अस्पताल में महिला मरीज भर्ती थी। कोरोना मरीज की संख्या बढ़ गई है वहाँ पर, और सांस की बीमारी पहले से थी इस महिला मरीज को, एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थी। अब टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद जाहिर सी बात है कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ी है और चिंता भी। कौन उसके संपर्क में आया, ये बड़ा सवाल ट्रेसिंग का। अगली बड़ी खबर उन्नाव से है। डीएम ने ARM को फटकार लगाई है। ARM रोडवेज पर भड़के हैं। डीएम रविंद्र कुमार ने बात कही है, ट्रेन से आए प्रवासियों को बसों से भेजने में लापरवाही दिखाई दी है। ट्रेन पहुंचने के बाद भी बसें नहीं पहुंची थीं, इसी पर डीएम ने फटकार लगाई है ARM को। तुम्हें लग रहा गलत नहीं होगी? नहीं, हम कहाँ कर रहे हैं। तो कर ही रहे, ये सब भाषा मैं नहीं सुनता हूँ। समय से करना है तब उसका इम्पोर्टेंस है, तब अधिकारी की वैल्यू है जो टाइमली कराते अपनी टीम को संगठित करते हुए, समझ गए। अब दोबारा ये ना हो, ट्रेन आने पहले आपका व्यवस्थित लग जाए। आपको कोई असिस्टेंट की जरूरत हो, कुछ जरूरत हो, हमसे बताओ, लेकिन अब व्यवस्था करता ही बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो देखा आपने कैसे डीएम ने फटकार लगाई ARM को, कहा कि ट्रेन पहुंचने के बाद भी बसें समय से नहीं पहुंची थी, ऐसा दोबारा ना हो। आशीष हमारे संवाददाता उन्नाव से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आशीष, आप कितनी देर से पहुंची थी बसें? आपको बता दें कि आज उन्नाव में 2 अप्रवासी यात्रियों को लेकर ट्रेन आई थी। जो दूसरी ट्रेन आई है वो 2:30 बजे के आसपास आई है। ट्रेन आने के बाद आधा घंटा ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है, लेकिन तब तक की ये रोडवेज की बसें जो है ऐसी ग्राउंड में नहीं लग पाई थी, जिसको लेकर डीएम देवेंद्र पांडे जिसको लेकर जो है डीएम रविंद्र कुमार
से खासे नाराज हुए और ARN रत्नेश कुमार जो हैं उनसे काफी नाराज हुए कि इस तरीके से नहीं चल पाएगा, यदि ट्रेन आके खड़ी हो जाएगी और गाड़ियां नहीं रहेंगी तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा। जी शुक्रिया आपका आशीष। तो आपने देखा कैसे डीएम ने ARM को फटकार लगाई, डीएम रविंद्र कुमार ने समय पर बसे पहुंचे ये इंश्योर करने को कहा। उन्नाव से खबर इधर औरैया ASP हेलमेट लगाकर साइकिल से लोगों को जागरूकता का संदेश देने निकले। दरअसल पिछले कई सालों से औरैया में समाज सेवी रमेश कुमार प्रजापति अपनी अनोखी साइकिल से जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उनसे प्रेरित होकर ही जिले के ASP उनकी अनोखी साइकिल पर लोगों को कोरोना से जागरूक करने के लिए निकल पड़े। देखिए कैसे आसाम ने गाड़ी चलाई है, आज हमारे अंदर इतनी खुशी की लहर है कि आप हम क्या कितनी बता सकते हैं। और गालियां गालियां सर क्या बात है, देखिए अनोखी साइकिल। और यह कि ASP ने जागरूकता फैलाने के लिए इस साइकिल का सहारा लिया। अनोखी साइकिल आज हमारे अंदर इतनी खुशी की लहर है कि आप हम क्या कितनी बता सकते हैं। और तालियां तालियां इधर इटावा में लॉकडाउन के 48वें दिन डीएम ने बाजारों में दुकानें खोलने की परमिशन दी तो लोगों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई और दुकानों पर भीड़ लगाई। बाजार का हाल देखते हुए डीएम ने तमाम दुकानदारों को चेतावनी दी है कि अगर वो दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करवाएंगे तो फिर से दुकानों को बंद करवा दिया जाएगा। देखिए आप कैसे भीड़ लग गई इटावा में बाजार में। और ये इसलिए हुआ क्योंकि दुकानों को खोलने की परमिशन दी थी डीएम ने, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये भीड़ देखी उन्होंने दुकानदारों को चेतावनी दी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होनी ही चाहिए, नहीं तो ये दुकानें फिर से बंद करवा दी जाएंगी। आगरा का हाल आपको बताते हैं, वहाँ पर कोरोना मरीजों का आंकड़ा 750 के पार चला गया है। सीएम योगी ने आगरा के हालात पर चिंता जताई है, अधिकारियों से लॉकडाउन में सख्ती बरतने को भी कहा है उन्होंने। आज लॉकडाउन के दौरान बेवजह घर से बाहर निकले लोगों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। मुख्यमंत्री की डांट पड़ने के बाद एक बार आगरा प्रशासन फिर से कुंभकर्णी नींद से जागा है। दरअसल लॉकडाउन 3 के बाद आगरा में ऐसा लग रहा था जैसे पूरी तरह से तमाम जो बंदिशें हैं वो हटा दी गई हैं, लेकिन जिस तरीके से आगरा में 750 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री ने डांट लगाई है कि आगरा में लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आगरा में आज पूरी तरह से कहा जाए एक पूरे शहर को बंकर बना दिया है, यानी ज़बरदस्त सख्ती देखने को मिल रही है। भगवान टॉकी चौरा जो शहर का प्रमुख चौरा है वो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स डिप्लॉय है और किसी भी हालत में अननेसेसरी वजहों से जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, चालान काटा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये व्यक्ति है जो स्कूटी से अब कहीं जा रहा था लेकिन इसकी गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं है, तो इस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके साथ ही जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और कोई आवश्यक वजह नहीं है उसका IPC सेक्शन 188 में 188 में चालान किया जा रहा है। पर ऐसे भी लोग जो किसी भी जुगत से या जुगाड़ से जिन्होंने पासेज बनवा लिए हैं लेकिन वो अति आवश्यक सेवाओं में नहीं आते हैं उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए आगरा में आज लॉकडाउन का जो पालन हो रहा है वो कर्फ्यू जैसी स्थिति आज नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था कि आगरा में बड़ी संख्या में लोग फ्रिक्वेंटली बाहर निकल रहे हैं, तमाम जुगाड़ के तरीके से उनको बाहर निकाल लिए, उन्होंने पासेज बनवा लिए हैं। अब ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और स्पष्ट संदेश सरकार की तरफ से भी है कि अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा। आगरा से कैमरा पर्सन हरी सिंह के साथ नितिन उपाध्याय ABP गंगा।
आगरा की बात आपने देख ली, अब गाजियाबाद की बात करते हैं। वहां पर एक हाई राइज सोसाइटी ने नया नियम लागू कर दिया है। यहां पर RWA ने नियम जारी किया है कि सोसाइटी में रहने वाला शख्स अगर बाहर रहने वाले किसी शख्स को बुलाएगा तो उस पर 11,000 रुपये की पेनल्टी लगाई जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि पेनल्टी जमा नहीं होने तक बिजली और पानी काट दिया जाएगा। मामला गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की रिवर हाइट सोसाइटी का है। नोटिस ये दिया गया है कि आप सभी से निवेदन है, रिवर हाइट परिवार से सबसे निवेदन है कि आप इस सोसाइटी में कोई बाहर का व्यक्ति ना लाएं। यदि बाहर का कोई व्यक्ति आता है उसका पास होना चाहिए, उसकी मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए। यदि उसके बाद भी कोई परेशानी है, कोई एमरजेंसी कोई परेशानी है तो उसको भी देखा जाएगा किस तरीके से करा जाए। सोसाइटी वालों को समझाया गया, सोसाइटी वाले उसमें पूरे समर्थन में हैं और हमने वो नोटिस जारी किया गया कि अगर आपने ये सारे चीज़ ध्यान में रखते हुए आपने ये नियम तोड़ा तो और बाहर के आदमी को आपने लाए, आपने गार्ड से धमका के, गार्ड से डरा के आपने अपने घर ले गए और उसका कोई टेस्ट नहीं है या उसका कोई पास नहीं है और वो पकड़ा गया तो आप पे 11,000 रुपये की पेनल्टी होगी और आपकी पेनल्टी आप जब ही देंगे, क्यों यहाँ तो पेनल्टी देंगे नहीं, पेनल्टी जब देंगे आपकी लाइट काट दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यूपी के आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने शराब की होम डिलीवरी की खबरों को खारिज कर दिया है। राम नरेश अग्निहोत्री ने साफ किया है कि फिलहाल प्रदेश में शराब की होम डिलीवरी नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, शराब की दुकानों पर अब भीड़ नहीं लग रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लागू किया गया है और इससे राजस्व की हानि हो रही थी और इसी को संभालने के लिए सरकार ने शराब की दुकानें खोलने को मंजूरी दी। हालांकि शराब की दुकानें खुलते ही अचानक भीड़ उमड़ पड़ी। इस पर शराब की होम डिलीवरी के लिए अध्ययन करने की बात कही गई थी, लेकिन अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लिहाजा होम डिलीवरी का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। मैंने ये कहा था कि जिन राज्यों में ऑनलाइन बिक्री की जा रही है वहाँ के क्या अनुभव हैं इसका अध्ययन करें, उसके बाद विचार करें। तो लेकिन जो अध्ययन वहाँ किया गया अभी तक का वो सार्थक नहीं है, सकारात्मक नहीं है, इसलिए अभी इस व्यवस्था पर प्रदेश सरकार कोई विचार नहीं कर रही। नहीं, कुल मिला के आपका ये कहना है कि हम ऑनलाइन बिक्री उत्तर प्रदेश में नहीं कर रहे हैं। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं, प्रस्ताव नहीं। और मिनी कोटा के नाम से जाना जाने वाला कानपुर के काकादेव में कंपटीशन और इंजीनियरिंग की कोचिंग कर रहे लगभग 1200 छात्रों को आज प्रशासन ने 40 बसों के माध्यम से उनके गृह जनपद के लिए रवाना किया। दरअसल प्रदेश के अलग अलग जिलों से छात्र कानपुर के काकादेव में रहकर तैयारी कर रहे थे, लॉकडाउन के चलते यहीं पर फंसे हुए थे और इसके बाद छात्रों ने CM पोर्टल में अपने अपने घरों पर जाने की मांग की थी। इसके चलते आज कानपुर प्रशासन ने आज सभी छात्रों की स्क्रीनिंग करवाने के बाद बसों के द्वारा उन्हें उनके घर भेज दिया है। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को अपने राज्य में लाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हम इस वक्त सेंट्रल स्टेशन मौजूद हैं जहां पर गुजरात से एक श्रमिक एक्सप्रेस आई है। लगभग 1200 जो श्रमिक हैं वो आज एक बार फिर से कानपुर सेंटर पहुंचे और यहां पर आने के बाद इन श्रमिकों को इनके जो गृह जनपद है वहां पर बसों के द्वारा पहुंचाया जाएगा। अगर बात आज जो श्रमिक एक्सप्रेस आई है उसकी की जाए तो लगभग 1200 जो श्रमिक हैं जो गुजरात से यहाँ पहुँचे हैं जिनको यहाँ पर उतारा गया है, उसके बाद उनकी प्रॉपर स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं उन्होंने जाँच की है, स्क्रीनिंग की है, उसके बाद सेंट्रल स्टेशन के बाहर जो रोडवेज की बसें हैं 44 बसें जो हैं वो लगाई गई हैं जिनके द्वारा यहाँ पर जो मजदूर हैं उनको उनके गृह जनपद भेजने की व्यवस्था की गई है। तो साफ है कि जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार जुटा हुआ है, हर बस में पुलिसकर्मी मौजूद रहेगा जो उनको उनके घरों तक या जो शेल्टर होम है जहाँ पर उनको क्वारंटीन किया जाएगा वहाँ पर छोड़ेंगे और उसके बाद ही वापस आएंगे। तो साफ है कि लगातार मजदूरों को वापस लाने का सिलसिला जारी है। और कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में भी लगातार जो मजदूर हैं वो आ रहे हैं और 44 जो बसें लगाई गई हैं जो उनको उनके घरों तक पहुंचाने का काम करेंगी। वीडियो निर्देशक अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। अदर अलीगढ़ के ख्वारसी थाना इलाके में गडराना में दो पक्षों में क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि नौबत मारपीट और पथराव तक जा पहुंची। हालांकि मामला पुलिस ने समझा बुझा कर शांत करा दिया, लेकिन आज फिर से दोनों पक्षों में पत्थरबाजी शुरू होने लगी और इसमें कई लोग जख्मी भी हुए। मौके पर भारी मात्रा में फोर्स को तैनात किया गया।
देखिए कैसे पत्थरबाजी हुई आज, मारपीट, हंगामा और पथराव देख रहे हैं आप। पहले पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझा कर शांत करा दिया था, अब फिर कोरोना के संकट काल में हम और आप सुरक्षित रहें, इसके लिए बहुत से लोग मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। लखनऊ में ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो अपनी जान और परिवार से पहले आपका सोच रहे हैं। ऐसे ही कोरोना वॉरियर्स हैं वो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दूसरे स्वास्थ्यकर्मी जो हर वक्त मैदान में डटे हुए हैं। हो गया। और कोरोना के खौफ में भी जो लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर सड़कों पर मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं, उनमें सफाई कर्मचारियों का नाम सबसे आगे है। ये सफाई कर्मचारी एक तरफ अपने लिए खतरा मोल लेते हुए घरों से बाहर निकलते हैं, तो वहीं दूसरी ओर रोजाना 10 से 12 घंटे तक गंदगी साफ करते हैं ताकि हमारे और आपके लिए संक्रमण का खतरा कम से कम हो सके। कोरोना के खिलाफ जंग का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है सफाई। यही वजह है कि बार बार हाथ धोने की अपील की जाती रही, साथ ही रोजमर्रा की जिंदगी में जिन चीजों को छूने की नौबत बार बार आती है उन चीजों को भी लगातार सैनिटाइज करने और साफ करने की अपील की जा रही है। जाहिर है ऐसे में शहर की सफाई भी बेहद अहम है और ये मायने रखती है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपका घर या चीजें साफ हो जाएं और शहर में गंदगी पसरी रहे। इसी के चलते सफाई कर्मी शहरों में लगातार ड्यूटी दे रहे हैं, साफ सफाई बनाए रखने के साथ ही कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी सफाई कर्मियों के योगदान को देखते हुए इन्हें कोरोना योद्धा का दर्जा दे चुके हैं। सच भी यही है, कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले योद्धाओं ने दूसरे वर्गों की तरह अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को कोरोना से बचाने की मुहिम छेड़ी है। यही वजह है कि इन सफाई कर्मियों का जगह जगह स्वागत किया गया है। ऐसी एक तस्वीर प्रयागराज के ममफोर्डगंज से सामने आई है, जहां इन कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया है इलाके के लोगों ने। इलाके की सफाई में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को इलाके के पार्क में बुलाकर फूल मालाओं से इनका स्वागत किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग को अमल में लाते हुए खड़ा करके इनकी आरती भी उतारी गई। अपने सम्मान से सफाई कर्मी खासे अभिभूत दिखे, उन्हें लगता है कि कोरोना के दौर में उनकी जिम्मेदारी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। हम लोग बस यही कामना करते हैं कि कोरोना जैसी बहुत महामारी बीमारी जल्द से जल्द दूर हो जाए। इतना ही नहीं, इन सफाई कर्मियों का मानना है कि जब देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी इतना कर रहे हैं तो हमारा योगदान तो उनसे ज्यादा नहीं हो सकता। भैया, हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतना कर रहे हैं तो हम भी लोग कर रहे हैं उन्हीं के ओर पे। सफाई कर्मियों को एक दूसरे का हौसला बढ़ाते देखा जा सकता है, ताली बजाकर वो भी एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। जाहिर है ये दौर ही ऐसा है जिसमें अपना पराया जैसा कुछ नहीं, क्योंकि बीमारी पता पूछकर नहीं आ रही है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। और महामारी से लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लेकिन मेरठ में एक शख्स है अमजद मलिक जो सुबह 8 बजे घर से निकल जाते हैं और पुलिस, मीडिया, नगर निगम कर्मचारियों का हैंड, उनका हाथ सैनिटाइज कराते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग सामूहिक रूप से पूरा देश लड़ रहा है, बस सबके तरीके अलग अलग हैं। एक तरफ जहां डॉक्टर मरीजों का इलाज करके, पुलिस लॉकडाउन का पालन करा के, लोग लॉकडाउन का पालन करके, तो सफाई कर्मी शहरों को साफ करके। सामूहिक प्रयास नहीं, इस जंग में व्यक्तिगत प्रयास भी खासा मायने रखता है। भले ही लोगों को जागरूक करना हो, जरूरतमंदों को भोजन कराना हो या फिर वो जो मेरठ के अमजद कर रहे हैं। मेरठ में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 240 से ऊपर हो गया है। ऐसे शहर में अमजद ने जनता कर्फ्यू के दिन से ही अपनी बाइक को बदल लिया।
तीन तरफ से पोस्टर लगा दिया है जिस पर कोरोना से जुड़े संदेश हैं। इसके अलावा सबसे जुदा काम वो जो करते हैं उसमें है कोरोना की ड्यूटी में लगे पुलिस वालों, सफाई कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, मीडिया कर्मियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन। थर्मामीटर, इनफिट थर्मामीटर खरीदा है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए खरीदा है जो हमारे कोरोना वायरस हैं, योद्धा हैं, जैसे पुलिस कर्मी हैं और जी नगर निगम के कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, ये रात दिन हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। तो मैं इन सभी को अपनी तरफ से सभी कोरोना योद्धाओं को सल्यूट करता हूँ। सिर्फ हमसद ही नहीं बल्कि शहर के दूसरे कोरोना वॉरियर्स भी इस जंग के खिलाफ जंग में अपना जोर लगाने में पीछे नहीं है। ये हैं शहर के सफाई कर्मी जो लगातार अपनी ड्यूटी इस बीमारी के खिलाफ दे रहे हैं, वो भी शहर की सफाई व्यवस्था को मुकम्मल करके। सर, हम देश की सेवा जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री जी जैसे लड़ रहे हैं, वैसे ही हम भी उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के मेहनत कर रहे हैं और हम भी खतरे से खेल रहे हैं, फिर भी ये चाहते हैं कि आमतौर पर जब शहर की जिंदगी को लेकर सवाल उठते हैं तो इसका ठीकरा इन कर्मचारियों के सिर फोड़ने की कोशिश की जा सकती है, जबकि सच्चाई ये है कि किसी शहर की गंदगी का जिम्मेदार कोई सफाई कर्मचारी हो ही नहीं सकता। अब दौर मुश्किलों का है तो इनका काम सभी को दिख रहा है। इन कर्मचारियों को भी लगता है कि जब देश और प्रदेश के मुखिया इन्हें समझ रहे हैं तो भी ये पीछे रहने वाले नहीं है। काम कर रहा है और पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है, ये जो सफाई कर्मचारी योद्धा है, इन्होंने अपना परिवार और अपनी जान को भी दांव पे लगा रखा है। ऐसे खतरों की जगह जाते हैं जहां इनकी जान को भी खतरा है, लेकिन ये घबराते नहीं, ये राष्ट्र सेवा कर रहे और करते रहेंगे। बहरहाल कोरोना के खिलाफ अपनी जिम्मेदारियों को सभी को समझना होगा। किसी भी छूट का मतलब पुराने ढर्रे पर लौटना नहीं बल्कि नया क्या सीखा ये दिखाने का मौका है, क्योंकि कोरोना ने जीवन के मायने बदले हैं। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से बलराम पांडे की रिपोर्ट।